रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि RVNL का क्वार्टर फोर का रिजल्ट आ चुका है और जैसे ही मार्केट में RVNL का क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया वैसे ही कंपनी के शेयर्स की प्राइस 4% गिर गई थी। और सबसे खास बात तो यह है कि अगर आप RVNL के क्वार्टर फोर के रिजल्ट को देखेंगे तो यहाँ पर RVNL के क्वार्टर फोर के रिजल्ट काफी ज्यादा पॉजिटिव है। कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज होते जा रहे हैं, कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होते जा रहा है, लेकिन फिर भी कंपनी के शेयर्स की प्राइस 4% तक गिर चुकी है। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है और करंटली आपको RVNL के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। RVNL के क्वार्टर फोर के रिजल्ट आने के बाद कंपनी के शेयर्स की प्राइस 4.57% एक्जैक्टली गिर चुकी थी। अगर आप कंपनी के करंट मार्केट प्राइस को देखेंगे तो कंपनी के शेयर्स करंटली 111 रुपए पर ट्रेड कर रहे हैं और अगर आप करंटली कंपनी के शेयर्स की प्राइस को देखेंगे तो यहां पर कंपनी के शेयर्स की प्राइस 3.63% से गिर चुकी है। एक हफ्ते में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 2.8% के रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन अगर आप इस कंपनी के शेयर्स के प्राइस के ग्राफ को पिछले दो दिनों के टाइम पीरियड में ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर आपको सडन दिखाई दिया है। एक महीने में भी इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 2.57% के रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप लोगों ने इस कंपनी के शेयर्स में एक साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होता तो यहाँ पर आपको 256% के रिटर्न्स कमाने को मिलते थे। पिछले 5 सालों में कंपनी ने 500% तक के रिटर्न दिए हैं। कंपनी के शेयर्स की प्राइस 10 रुपए से लेकर 144 रुपए तक जंप कर चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि RVNL के शेयर्स की प्राइस क्वार्टर फोर के रिजल्ट के आने के बाद क्यों गिरी है। इसके पीछे का सबसे पहला रीजन है कि कंपनी के शेयर्स में ह्यूज डीलिंग हुई है। रेल विकास निगम लिमिटेड में 7.74 लाख शेयर्स की डीलिंग हुई है जिसकी वैल्यू 9 करोड़ से ज्यादा की है। करंटली इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 24,000 करोड़ के आसपास का है और वहीं पर अगर आप कंपनी के गेन्स एंड प्रॉफिट्स को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी के जो ग्रेन है वो 261% से इंक्रीज हुए हैं और वहीं पर अगर पिछले साल का डेटा को देखा जाए तो यहाँ पर पिछले साल का जो डेटा है वो 71% का सामने आता है। अब कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे लोगों ने RVNL के शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग की है और यहाँ पर जब भी किसी कंपनी के शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग होती है तब उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिरती है और जिस तरीके से कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिरते जा रही है उस तरीके से इस कंपनी के शेयर्स के प्राइस को लेकर बहुत सारे एनालिस्ट का कहना है कि कंपनी के शेयर्स में जो डाउनफॉल है ये शॉर्ट पीरियड के लिए है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस कंपनी के शेयर्स की वैल्यूज 84 तक पहुंच सकती हैं। और जैसे कि आप यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल्स को देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो कंपनी की ग्रोथ है वो किस तरीके से हो रही है। कंपनी की रेवेन्यू की ग्रोथ इंडस्ट्री के मुकाबले काफी ज्यादा है, कंपनी का मार्केट शेयर भी इंक्रीज होते जा रहा है। 5 साल पहले इस कंपनी का मार्केट शेयर 7.66% का था, लेकिन अब इस कंपनी का मार्केट शेयर 11% के फिगर को क्रॉस कर चुका है और वहीं पर अगर नेट इनकम की बात की जाए तो इस कंपनी का नेट इनकम जो है वो इंडस्ट्री के नेट इनकम से काफी ज्यादा है। अगर आप RVNL की बैलेंस शीट को भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि RVNL की बैलेंस शीट में डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो अदर कंपनीज के मुकाबले काफी कम है और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडस्ट्री के मुकाबले इस कंपनी का करंट रेशियो भी ज्यादा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग के पैटर्न को चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी के प्रमोटर्स के पास 78% के शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड ने 0.09% का इन्वेस्टमेंट किया है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 6.42% का इन्वेस्टमेंट किया है और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने इन्वेस्टमेंट किया है 1.53% का। लेकिन वहीं पर रिटेल एंड अदर कैटेगरी की बात की जाए तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने 9.69% का इन्वेस्टमेंट किया है और अदर पार्टीज ने 4.07% का इन्वेस्टमेंट किया है। ओवरऑल अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की बात की जाए तो ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अगर आप इस कंपनी के शेयर्स में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहां पर आपको डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट में भी रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। और करंटली मार्केट में जो डाउनफॉल आ रहा है इस मार्केट के डाउनफॉल को लेकर आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि जब भी कोई कंपनी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अनाउंस करती है और कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे होते हैं और कंपनी के रिजल्ट की वजह से अगर कंपनी के शेयर्स ग्रो करते हैं तब यहां पर प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा होती है। तो अराउंड एक हफ्ते के टाइम पीरियड में कंपनी के शेयर्स की प्राइस में फ्लक्चुएशन ज्यादा होते हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म में आपको काफी अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो वीडियो को लाइक करना और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।